क्या दोस्तों आपके भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है प्लेइंग टून की, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आती है तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना, आपको मैं बताऊंगा कि भाई इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये किन किन फ़ोन में आता है और क्यों आता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नितिन सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नितिन के टेक वन में। और दोस्तों अभी तक इसको नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च ऐप बार चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये सर्च ऐप है, ठीक है। इस पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सिम, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया सिम सर्च, और सिम सर्च करने के बाद यहाँ पर ये ऐप आ जाएगा, ठीक है, सिम टूल किट का ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो आपको इनमें से क्या करना है, ये आपको ये दिख जाएगा फ्लैश का, ठीक है, ये वाला ये फ्लैश का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है एक्टिवेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो डीएक्टिवेट का ये ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक बार और मांग रहा है, ठीक है, कि आपको डीएक्टिवेट करना है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो BI की सिम के होता है, ठीक है, उसके ये सारे के सारे जो सर्विसेज होती हैं वो यहाँ से बंद होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद सिंपली कुछ ये इस तरह से फिर से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से कर देना है ओके, ठीक है। देन इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका सर्विस जो ये वाला प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व हो चुका है। अब आपको बैक आना है, और ये प्रॉब्लम आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों और आपको बता देता हूँ कि भाई BI की सिम जिस जिस फ़ोन में डली होती है, ठीक है, उन उन फ़ोन में आता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप लोगों से देख सको। तो तब तक के लिए मिलते किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।